पंजाब का कौन होगा सुल्तान? वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए कल पंजाब असेंबली में कागजाती नामजदगी जमा होंगे। हफ्ता के रोज शाम 5 बजे तक कागजाती नामजदगी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए जा सकेंगे। इतवार के रोज पंजाब असेंबली के ऐवान में वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होगा। तफसीला जान लेते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं इसी हवाले से? लियाकत अंसारी से रابطہ बहाल करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब का कौन होगा सुल्तान? वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए कल पंजाब असेंबली में कागजात नामजदगी जमा होंगे। हफ्ते के रोज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए जा सकेंगे। इतवार के रोज पंजाब असेंबली के ऐवान में वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होगा। अगर बात करें वज़ीर-ए-आला पंजाब के हवाले से ही, तो नूली की जानिब से हमजा शहबाज को नामजद किया जा चुका, जबकि अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो इम्कान ऐसा है कि वज़ीर-ए-आला की पग जनूबी पंजाब के सर रखी जाने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा, वज़ीर-ए-आला का इंतखाब होने जा रहा है, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी? आज बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से तैयारियां मुकम्मल इस लिहाज से हैं कि कल जो है वो कागजात नामजदगी जमा होंगे पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में, और कल शाम 5 बजे जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी वक्त है। इतवार के रोज सुबह 11 बजे स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई की सदारत में पंजाब असेंबली का इजलास होगा, और इतवार के रोज पंजाब का ऐवान अपने नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब अमल में लाएगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। तमाम तरीके इंसाफ की जानिब से इम्कान है कि आज रात तक जो है इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया जाएगा। जो नंबर स्कैन है उसमें तहरीके इंसाफ जो है वो इस वक्त 185 का नंबर रखती है, और मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त सिर्फ 159 वोट हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत अंसारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे।